कटनी पुलिस थाना के अधिकारियों ने रिकॉर्ड अपराधियों की जांच करते समय गुप्त मुखबिरों की मदद से मिली जानकारी के आधार पर संशयित व्यक्ति की जांच की। इस जांच में इस व्यक्ति के पास से देसी पिस्तौल, उसकी गोलियों सहित कुल 26,200 रुपयों का माल जब्त किया गया है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और आगे की जाँच जारी है। जब अजनी थाना नागपुर शहर के अधिकारी 13 जून की रात के दौरान रिकॉर्ड अपराधियों की जांच कर रहे थे तो उन्हें गुप्त मुखबिरों के माध्यम से पता चला कि ठवरे हाई स्कूल के पास एक व्यक्ति है जिसके पास देसी पिस्तौल और उसकी गोलियां हैं और वह कुछ अपराध करने के इरादे से वहां आया है। खबर मिलते ही ठवरे हाई स्कूल के पास पुलिस ने जाल बिछाकर उसे पकड़ा और पूछताछ की तो पता चला कि उसका नाम 30 वर्षीय शैलेंद्र उर्फ शानू जयनारायण शुक्ला है और वह अजनी परिसर में रहता है। वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के गांव कोहली खापा का रहने वाला है। आरोपी के पास से देसी पिस्तौल और उसकी गोलियां, ट्रिगर गार्ड मैगजीन, उनका बैरल जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर होकर पिस्तौल के हैंडल के दोनों ओर काला प्लास्टिक कवर है, ऐसा कुल 25,000 रुपयों का माल और 4 जिंदा कारतूस, प्रति कारतूस 300 रुपये मतलब 1200 रुपयों के साथ पिस्तौल मिलाकर कुल 26,200 रुपयों का माल जब्त किया गया है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है। दिनांक 13 जून 2022 रोजी अजनी पुलिस स्टेशन के तपास पथकाकडील पोलीस अंमलदार हंसराज यांना त्यांच्या बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली होती की रेकॉर्डवरील आरोपी शैलेंद्र कुमार उर्फ सोनू शुक्ला हा त्याच्याकडे देशी बनावटीचं गावठी पिस्तूल व राऊंड बाळगून फिरत आहे। सदर बातमीची हकीकत शहानिशा करून चिमणी चौक ठवरे हायस्कूलजवळ अजनी येथे सापळा रचून रेकॉर्डवरील आरोपी शैलेंद्र कुमार उर्फ सोनू शुक्ला याला अजनी पोलीस स्टेशनच्या तपास पथकाकडील अंमलदारांनी ताब्यात घेतलं। त्याची अंगझडती घेतली असता त्याच्या अंगझडतीमध्ये एक देशी बनावटीचं पिस्तूल व 4 जिवंत कारतूस मिळून आले। त्यावरून सदर प्रकरणी अजनी पोलीस स्टेशन येथे अपराध नंबर 376/2022 प्रमाणे आर्मॅक 325 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदरचा आरोपी जो आहे तो रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे। त्याच्याविरुद्ध यापूर्वीही कुलकेश्वर, अजनी, बुटीबोरी, मोदा अशा ठिकाणी चोरी, दरोडे, पेट्रोल पंपवर दरोडे अशा स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत। त्यांनी जे वेपन त्याच्यासोबत बाळगलं होतं ते वेपन त्याच्याजवळ बाळगण्याचा उद्देश काय याबाबतचा तपास त्याच्याकडे करत आहोत। त्याला माननीय न्यायालयात हजर करून त्याची दिनांक 19 जूनपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड मंजूर करून घेण्यात आलेली आहे। गुन्ह्याचा पुढील तपास चालू आहे।